हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीगो व्लॉग्स। आप सभी को हमारा जय जिनेन्द्र। तो मैं बहुत टाइम से मेरे चैनल पे मैं इनएक्टिव था, बट लास्ट का जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था हैंडल बार का, तो उसमें आपने बहुत अच्छा सा रिस्पांस दिया, तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि और आगे मुझे ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहो, तो और अच्छे अच्छे व्लॉग जाने वाले हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा परफॉर्मेंस मोड्स का। मैं मेरे स्टेला पे कभी भी अब तक जब से मैंने डिलीवरी लिया तब से मैं परफॉर्मेंस मोड्स कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो भी किया मैंने सेफ्टी मोड्स को ही अपग्रेड किया है। परफॉर्मेंस मोड्स तो नहीं, बट एक ही परफॉर्मेंस पार्ट मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, और मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये इससे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि ये क्या है और कहाँ पे लगेगा और इससे क्या बेनिफिट होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको वीडियो में बताते जाऊँगा आगे क्या क्या है, बट इसके लिए आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। और सब मैं इसका बेनिफिट भी बताऊँगा, थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा, और कहाँ से ले सकते हो, क्या प्राइस है, सब आपको बताऊंगा, और कैसे इंस्टॉल करना वो भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये बेनिफिशियल है या नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो मैं आपको दिखाया वो कुछ यहाँ पे लगने वाला है। ये कैटेलिक कन्वर्टर है, ये निकलेगा और वो बैंड पाइप यहाँ पे यहाँ से अटैच होके इसको लगेगा। तो इसको निकालना थोड़ा सा हार्ड है, नहीं तो मैं ये खुद से करता, पर मेरे को मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा यहाँ का हालत इग्नोर करना है, क्योंकि अभी एक राइड करके आया हूँ मैं, तो इसे वॉश करना है मुझे। तो जैसे मेरा ये काम हो जाएगा फिर मैं वॉश करूँगा और वापस एक राइड को निकल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लगाऊँगा, और फिलहाल मैं आपको एक साउंड सुनाता हूँ कैटेलिक कन्वर्टर के साथ कि कैसा साउंड आता है। फिर एक आपको साउंड सुनाऊंगा बिना साइलेंसर के साथ, फिर एक साउंड सुनाऊंगा टिकेट पाइप विथ एग्जॉस्ट के साथ। तो सॉरी मैं इसको साइलेंसर बोला, एग्जॉस्ट है। तो यही कुछ इस प्रकार का रहेगा, और बैंड पाइप ये रहा, ये बैंड पाइप है, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे ऐसा ये माउंट होगा कुछ, हाँ ऐसा कुछ तो माउंट होगा ऐसा, क्या है वो देखते हैं, कैसा है वो देखते हैं। तो पहले तो मैं जाके जाता हूँ गैरेज वाले के पास, इसको निकालता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो अभी इसको साइलेंसर है वो निकाल रहे हैं, और ये अपना भाई है। अगर आपको थाना कलवा में कुछ भी अगर कराना रहेगा तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आप बेस्ट यहाँ पे सर्विस मिलता है। तो यहाँ पे टिकेट पाइप लगाना चालू कर दिया है, पर पहले ये थोड़ा सा निकालने का थोड़ा सा मगजमारी है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले ये स्क्रू निकालना पड़ता है, अंदर का स्क्रू निकालना पड़ता है। तो वो ये भी काम चल रहा है, बट इनकी सर्विस फास्ट है तो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो और कहीं पे अगर आप लेके जाते हो तो तकरीबन 2 से 3 घंटा लग जाता है। तो इसको खोलते हो पहले, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो अभी कैटेलिक कन्वर्टर निकालने का चालू है, और साइलेंसर निकल के यहाँ पर रख दिया है। ये बाइक का थोड़ा सा टेक्निकल बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि खोलना इतना इजी नहीं है, बहुत मगजमारी का काम है। एक यहाँ पे अंदर नट है, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, बट वो खोलना पड़ेगा, और एक अंदर नट है वो आपको खोलना पड़ेगा। दो नट रहते हैं जिस पे कैटेलिक कन्वर्टर कनेक्टेड रहते हैं, तो जो खोल लोगे तो आपका कैटेलिक कन्वर्टर बाहर निकल जाएगा। तो अभी हाँ कैटेलिक कन्वर्टर निकल चुका है, यहाँ पे देख पाते रहोगे कितना बड़ा है, कितना वेट रहेगा इसका अंदर, अच्छा 5 किलो, 5 किलो तो वेट है, तो इसमें थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा बाइक में। तो अभी कैटेलिक कन्वर्टर निकाल गया है, यहाँ पे लगेगा बैंड पाइप। और वापस मैं बता रहा हूँ, अगर आप कलवा थाना मुलुंड और नियर बाय कहीं पे रहते रहोगे तो आप इस गैरेज में आप विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हर किस्म की बाइक का काम होता है, आप सुपर बाइक लेके आओ या कौन सा भी बाइक लेके आओ, यहाँ पे सब काम होता है। बट खाली ऐसा है कि यहाँ पे आपको बाइक छोड़ के जाना पड़ेगा, खड़े पे यहाँ पे काम नहीं होता, आपको 1-2 दिन रखना ही पड़ेगा, तब जाके प्रॉपरली काम होगा। आप जब भी ये टिकेट पाइप लगाओगे तो आपको ये रिंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो इनबिल्ट आता है वो बहुत बड़ा होता है, इसका होल थोड़ा सा छोटा है, तो ये आपको इससे टाइट करना पड़ेगा, तो टाइट होगा, नहीं तो फिर वो जैसे गाड़ी स्टार्ट होगी थोड़ा फायरिंग चालू होगा तो ये हिलना चालू होगा, तो वो कभी भी गिरने का चांस होता है।
तो ये कुछ तो 10-20 रुपए का आता है, वो आप ले लेना, उससे टाइट कर लेना तो आपका सिक्योर हो जाएगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बैंड पाइप लगा दिया है। तो आपने इसका पहले जो क्लिप थी उसके अंदर आपने साउंड तो सुना ही रहेगा, एक डिकेट पाइप के साथ भी, मैंने इसके डिकेट पाइप भी बोलते हैं और बैंड पाइप भी बोलते हैं, मैंने आपको बैंड पाइप के साथ भी आपको साउंड सुना दिया एग्जॉस्ट का कैसा साउंड नोट आ रहा है, और आपको बिना एग्जॉस्ट का भी मैंने साउंड नोट सुना दिया। आपको कौन सा साउंड अच्छा लगा वो एक बार बता देना। और रही बात ये बैंड पाइप लगाने की, तो बैंड पाइप लगाने से आपको फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है। नुकसान तो बहुत कम है, फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा इसके लिए जो यहाँ पे कैटेलिक कन्वर्टर होता है, उस कैटेलिक कन्वर्टर से जो इंजन गैस रिलीज करती है वो उसे ब्लॉक करके फिर फिल्टर करके फिर रिलीज करता है। तो लाइक अगर काइंड ऑफ लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो उसका गला घुट के फिर वो एयर पास लाइक गैस पास होता है, जो भी हार्मफुल गैस होता है। और जबकि ये बैंड पाइप लगाने के बाद जो फ्री फ्लो हो जाता है, लाइक जो गैस निकलता है वो डायरेक्ट पास आउट हो जाता है। और वो कैटेलिक कन्वर्टर का मेन रीज़न लगाने का ये होता है, जो एटमॉस्फेयर है उसे हार्म ना करे, जो हार्मफुल गैस रिलीज होते हैं उसके कारण एटमॉस्फेयर में कुछ भी हार्म ना हो, इसके लिए वो कैटेलिक कन्वर्टर लगाते हैं। बट ये लगाने के बाद जैसे फ्री फ्लो हो जाता है तो आपको इनिशियल जो पिकअप लाइक पंच मिलता है, इनिशियल पंच, वो बहुत ही अपग्रेड हो जाता है। और इसका जो वेट रहता है कैटेलिक कन्वर्टर का वो 5 किलो तक का रहता है, तो वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है। और नुकसान तो यही है कि थोड़ा सा आवाज़ जो नोट होता है, साउंड नोट, वो थोड़ा बढ़ जाता है। इतना भी नहीं बढ़ता, लाइक हार्डली 1-2% ही बढ़ जाता है, बाकी तो आपको नॉर्मली लगेगा। बट हाँ, आपको बाइक चलाने में जो मज़ा आएगा ना वो कैटेलिक कन्वर्टर के साथ नहीं आएगा। एक बार आप चलाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना डिफरेंस आ जाता है कैटेलिक कन्वर्टर के साथ और ये बैंड पाइप के साथ। तो अगर आपको ये लेना रहेगा तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा बैंड पाइप का, तो आप ज़रूर से ले लेना अगर आपको लेना रहेगा तो। ये एक परफॉर्मेंस मोड ही है, इससे आपका एवरेज भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और टॉक भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। तो अगर आपको भी बैंड पाइप अगर लेना रहेगा तो आप बैंड पाइप के लिए डुगडुग मोटरसाइकिल है दिल्ली में, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। इसका कॉस्टिंग 2200 का है और 99 रुपीज़ कुछ तो डिलीवरी चार्ज है। तो टोटली अगर देखने गए तो 2300 में आप ये बैंड पाइप ले सकते हो और आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट सजेशन ये रहेगा कि आप ये बैंड पाइप मैकेनिक से ही इंस्टॉल कराना, क्योंकि उसके पास लाइक उनके पास टूल्स सब रहते हैं, अपने पास वो टूल्स नहीं रहते और बहुत डीप में उसके नट रहते हैं तो वो आप खोल नहीं सकते। तो बाकी तो सब बढ़िया है, बैंड पाइप लगाने के बाद साउंड तो बहुत मस्त और क्रिस्पी हो गया है। और अभी मुझे चेक करना है कि माइलेज कितना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ज़्यादा तो नहीं, 1-2% बढ़ता है तो दिखते हैं। और अभी बड़ा राइड अगर मैं करूँगा तभी मैं चेक करूँगा कि कितना मुझे एवरेज मिल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।